सलमान खान की ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म ट्यूबलाइट को लेकर सब जितना एक्साइटेड हैं, उतना ही एक्साइटेड दिसंबर में रिलीज होने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है को लेकर भी। आखिर हो भी क्यों ना, ये फिल्म सुपरहिट फिल्म एक था टाइगर की सीक्वल जो है। आपको बता दें कि फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग खत्म करके सलमान आजकल टाइगर जिंदा है की शूटिंग में बिजी है। सलमान खान मोरक्को में कटरीना कैफ के साथ इस फिल्म की शूटिंग कर भी चुके हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन सलमान खान के साथ सुपरहिट फिल्म सुल्तान बना चुके अली अब्बास जफर कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करते हुए जफर ने बताया कि फिल्म के कई सीन तो 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर वाली जगहों पर शूट किए जाएंगे। जफर ने ट्वीट कर अपनी खुशी शेयर करते हुए कहा, बेसब्री और बहुत सारा उत्साह। टाइगर जिंदा है की शूटिंग 0 डिग्री से कम टेम्परेचर वाली जगह पर करने के लिए सामान पैक कर रहा हूँ। इट्स गोना बी फन। हालांकि जफर ने स्पेशल शूटिंग की जगह को डिस्क्लोज नहीं किया। फिल्म एक थी टाइगर की कहानी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के ऊपर बेस्ड थी, जिसे एक मिशन के दौरान पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के जासूस से प्यार हो जाता है। इस फिल्म का एंड सलमान और कटरीना के अपने आइडेंटिटी छिपाकर भाग जाने से हुआ था और अब टाइगर जिंदा है में उसके आगे की कहानी दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि इस फिल्म में सलमान अपने फैंस के लिए कुछ डिफरेंट करने वाले हैं।